आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये मतलब दिख ही रहा होगा 12 बजने वाले हैं और ये है एप्टीन एप्टॉन जो भी है ये, तो ये है इसका प्रोसेस और यहाँ लिखा हुआ है देखो 9 नवंबर 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग नहीं है, एक मतलब कि ना मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू मतलब कि इंटरव्यू इन्वाइट है जो मतलब कि असेसमेंट होगी प्री एम्प्लॉयमेंट ऐसे कुछ होता है, तो वही। चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी बड़ा है, उसमें 2-3 स्टेप वगैरह हैं, मतलब वो 3 हैं पूरे, जिसमें मुझे 2 समझ आ गया क्योंकि एक मतलब कोग्निजेंट का टेस्ट है, कोग्निजेंट मतलब कोग्निटिव जो भी होता है मुझे पता नहीं, और एक है आई थिंक सेल्फ वाला कुछ है जो पूछते नहीं है कि मल्टीटास्क करो ऐसा वैसा, तो ऐसा ही है। चलो फिर चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये मतलब दिख ही रहा होगा 12 बजने वाले हैं और ये है एप्टीन एप्टॉन जो भी है ये, तो ये है इसका प्रोसेस और यहाँ लिखा हुआ है देखो 9 नवंबर 12 बजे से स्टार्ट होगा और 10 नवंबर शाम 5 बजे तक चलेगा। और ये रहा, ये प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो ये मतलब कि 2 पार्ट्स में होगा, एक पार्ट जो होगा ए इसे 20 मिनट मिलेंगे जो एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, और जो सेकेंड वाला होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे जो अनलिमिटेड होगा पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। और आई थिंक ये टोटल जो मतलब कि दोनों सेक्शन है आई थिंक 35 से 45 मिनट के बीच करना है वही, और सबसे अच्छी बात है कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और वही फिर उसके बाद वही सब कि ये यूज नहीं करना है फोन वगैरह ऐसा वैसा सारा कुछ, यही सब इसमें बताया हुआ है। इसमें भी वही थोड़े क्वेश्चन वो बताए हुए हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह दी हुई है कि ऐसे होगा, ये सब करना है, ये चीज़ हमें करना है, तो इसके बीच ही करना पड़ेगा, चाहे वो लिंक 5 दिन के लिए वैलिड हो चाहे ना हो। और एक ये लिखा हुआ है, उससे पहले मतलब कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये इंटरव्यू लिंक देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं, और देन यूज़ दिस लिंक टू एक्सेस, अभी हमें नहीं करना है, हमें आई थिंक 1-1.5 घंटे बात करेंगे, थोड़ा सा हम देख लें इसके बारे में है क्या ये। तो यही आया हुआ है, ये वीडियो सिस्टम फलाना ढिमकाना, चलो मैं पहले देख लेता हूँ उसके बाद वीडियो बना सेविंग, उसके बाद क्या होगा क्या खोल रहा है ये। अच्छा अब आइए, वेलकम टू द प्री रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यू ट्यूटोरियल। First, keep in mind that though all pre-recorded interviews are not live, you should be treating them in the same respect as if you were being interviewed in person. Second, I will explain a few possible practice as many times as you need to feel comfortable before you start your interview. You do not need to save your practice videos. Warning, do not click open recorder until you are ready. Start recording since you are recording or viewing, whether the partial or complete may be viewable or considered as an attempt. Hai kya ye? Assessment protecting video system. Kya hai ye? तो ये जो वीडियो है ना काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने इसे ना काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए कर दिया ताकि मैंने सोचा ना अगर कभी इन फ्यूचर मैं अगर इसमें सिलेक्ट हो गया तो इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, अगर ये वीडियो देख ली तो इसलिए मैंने ना इसे फास्ट फॉरवर्ड में करके आई थिंक 20 या 50x में चल रही है वीडियो, आई थिंक 25 से 30 मिनट की है ये, तो मैंने इसीलिए जितना हो सका इसका ऐड किया है, ऐड तो मैंने कर दिया कि दिखाने के लिए होता क्या है ये आई थिंक ये होता है ना वो होता है असेसमेंट होता है प्रोक्रिएटिव वीडियो सिस्टम करके होता है कोई टेस्ट, मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने आई थिंक इंट्रो वगैरह देनी होती है वही सब होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो भी एकेडमिक्स वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह मैंने सब बता दिया ताकि, क्योंकि है तो 55 मिनट का, मैंने आई थिंक 25 से 30 मिनट ही मैं बोल पाया क्योंकि मैं बोलूँ क्या बोलूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो बस फिर इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ बताया नहीं है। वाला पार्ट भी मैंने ना फास्ट फॉरवर्ड ही कर दिया है क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन रिवील तो नहीं कर सकता, 1-2 दिख जाएंगे शायद, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन थे ना पिक्चर परसेप्शन के ऊपर थे, और 1-2 आए हुए थे आई थिंक उससे क्या बोलते हैं कॉन्ट से परसेंटेज के ऊपर थे, 1-2 क्वेश्चन थे वर्क और टाइम पे थे, और 1-2 क्वेश्चन आई थिंक हाँ स्पीड के ऊपर भी थे, तो यही सारे मोस्टली क्वेश्चन यही थे, और जो आई थिंक ये ना क्वेश्चन टोटल होते हैं 40 जिसमें 20 मिनट मिले होते हैं, तो इसलिए मैंने आई थिंक पूरे 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए, आई थिंक कुछ गलत भी होंगे पर गलत का तो कोई बात नहीं, अटैम्प्ट किए हुए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो मैंने जितने हो सकते सारे अटैम्प्ट कर लिए, और मोस्टली मैं अगर कंसिडर करूँ ना 25 मतलब 28 से लेके 35 तक मेरे ठीक हैं, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पिक्चर परसेप्शन के थे, मतलब कि 2 पिक्चर थी सिमिलर है कि नहीं तो वो देख के पता लग जाएगा काफ़ी ईजिली, तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब टेंशन की बात है नहीं, अगर तुम्हें भी ये मतलब कि अगर इनवाइट वगैरह आया तो, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, अगर क्वेश्चन दिख जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हर बार मतलब चेंज ही कर देते हैं, और ये लास्ट वाला है जो वही जो मैंने बोला है सेल्फ
अवेयरनेस पता नहीं क्या होता है, ये मुझे खुद नहीं याद, मैं दिया अभी तक अभी दिया है इसलिए मुझे याद भी नहीं है। और ये भी मैंने फटाफट कर दिया। ओहो ये आई थिंक 28 होते हैं और एक में 5 होते हैं, तो यही है, ये भी मैंने फटाफट ही कर दिया है। बाकी बस देख लेना क्या है क्या नहीं, क्योंकि दिखा तो मैं सकता नहीं, फास्ट फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा। तो मतलब कि अभी देखिए 1:19 हो गए हैं और मेरा जो था अभी वीडियो वाला टेस्ट और ये एप्टीट्यूड वाला टेस्ट और वो जो होता है सेल्फ अवेयरनेस और जो भी होता है वो वाला टेस्ट हो चुका है। इसमें हुआ था क्राइटेरिया में, इनकी कोई वेबसाइट है और जी मेल भी आ गया होगा। और ये देखो सारा हो गया, बस फिर इस वाले में इतना ही था। बाकी ब्लॉग मेरा अलग है, ये मैंने ऐसे पर्टिकुलर बनाया है इसके लिए। टाइम हो रहा है लगभग हो रहे हैं 23 मिनट अभी भी। जस्ट मैंने ना अपना जो एप्टीन होता है एप्टन पता नहीं क्या है उसका जो भी था मतलब कि प्रोसेस सारा ख़त्म कर दिया है। पहली बार ऐसा लगा है ना कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आई थिंक 20 मिनट में 40 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, मोस्टली आई थिंक पिक्चर परसेप्शन की थे, वही कि सिमिलर है कि नहीं है, इमेज वगैरह यही सब थे, तो मार्क काफ़ी अच्छे हुए हैं। एप्टीट्यूड वाले एक दो क्वेश्चन आई थिंक गलत हुए, लेकिन 40 में से मतलब मान लो 30 तो सही है इतना मैं जानता हूँ। और जो एक वीडियो वाला था वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसमें मैंने पता क्या किया, उसमें मैंने इंट्रो वगैरह ही दे दी एजुकेशनल ये वगैरह जितनी हो सके, आई थिंक 15-20 मिनट का, क्योंकि एक घंटे का था, मेरे कुछ समझ ही ना आए तो मैंने जैसे मर्जी दे दिया। तो बस फिर अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो में पसंद तो बिल्कुल आएगा यार, क्योंकि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, तो देते रहेंगे। अगर जो भी हमारा इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा मैं। बस फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।